तो व्यूअर्स वेलकम बैक टू दिस चैलेंज वीडियो। और आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए ये चैलेंज। सामने आप लोग देख सकते हो दो टाइटैनिक खड़े हैं और हम लोग ये इंडिया की तरफ से, ये हमारे लेफ्ट साइड पे इंडियन और राइट साइड पे आप लोग देख सकते हो पाकिस्तानी गाड़ी खड़ी है। सबसे पहले हम लोग लेंगे पाकिस्तान की ये वाली गाड़ी और सामने जो है दो टाइटैनिक खड़े हैं इस चैलेंज में। और हम लोग उस टाइटैनिक से पार होकर उससे आगे एक प्लेटफार्म है वहाँ पर लेकर जाएंगे। हम लोगों ने सबसे पहले ली है सुजुकी आल्टो पाकिस्तान की तरफ से, फुल स्पीड से लेकर जा रहे हैं इसको, लगा जंप। और देखते हैं कि क्या ये गाड़ी जो है वो लैंड करेगी कि नहीं। तो अगर ये गाड़ी लैंड करती है तो पाकिस्तान को एक पॉइंट मिलेगा और जिस कंट्री के ज़्यादा पॉइंट होंगे वही कंट्री जो है आज की इस चैलेंज की विनर होगी। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो सुजुकी आल्टो हमारी गेम से बाहर हो चुकी है, पानी में चली गई। अब लिखते हैं इंडिया की तरफ से होंडा सिटी नए वाली और देखते हैं कि क्या ये नई होंडा सिटी हमारी पहुँच पाती है प्लेटफॉर्म तक। और अभी तक जो है इंडिया के जीरो स्कोर, पाकिस्तान के जीरो स्कोर। तो ये है इंडिया की हमारी होंडा सिटी और ये हवा में। और आप लोग देख नीचे देख सकते हो दो टाइटैनिक खड़े हैं बहुत बड़े बड़े, लेकिन उससे जो है हमारी होंडा सिटी जो है वो आगे बढ़ गई, पहुंच चुकी है प्लेटफॉर्म पे। एक पॉइंट जो है वो इंडिया को मिल गया है, अभी तक पाकिस्तान के जीरो पॉइंट है। आप लोग कंडीशन देख सकते हो गाड़ी की। अभी लेते हैं पाकिस्तान की तरफ से टोयोटा करोला, तो देखते हैं कि क्या ये गाड़ी जो है वो एक पॉइंट दिलवा सकती है पाकिस्तान को। नहीं, फुल स्पीड से हम लोग दौड़ा रहे हैं आगे, एक स्पीड जो है बूस्टर लगा हुआ है। और यहाँ से हमारी गाड़ी को लगा जंप और हमारी गाड़ी जो है वो पहले गई टाइटैनिक 1 से, उसके बाद आगे टाइटैनिक 2 पे। और टाइटैनिक 2 को क्रॉस करने के बाद आगे प्लेटफॉर्म है और हमारी गाड़ी जो है वो लैंड करती है प्लेटफॉर्म पे। ये आप लोग देख सकते हो लैंड कर गई और एक पॉइंट मिला है पाकिस्तान को, टोयोटा करोला पाकिस्तान की तरफ से। और यहाँ से हम लोग लेते हैं इंडिया की तरफ से सुजुकी वैगन और, मारुति सुजुकी वैगन और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और गाइज ये गाड़ी जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा बिकी है, लास्ट मंथ में सबसे ज़्यादा सेल हुई इस गाड़ी की। लेकिन हम लोग फुल स्पीड से लेकर जा रहे हैं इस गाड़ी को, लगा यहाँ से जंप। हमारी गाड़ी टाइटैनिक से होती हुई हवा में है अभी। तो क्या ये गाड़ी जो है वो लैंड करेगी कि नहीं, आप लोग ज़रूर बताओगा कमेंट में, ज़रूर बताइएगा। यहाँ तक तो किसी को नहीं पता होगा, लेकिन हमारी गाड़ी जो है वो आउट हो चुकी है। थोड़ा सा ही फासला था जो स्टेज का था, मतलब जो प्लेटफॉर्म का था, लेकिन हमारी गाड़ी जो है मारुति सुजुकी वैगन और गेम से आउट हो गई है। यहाँ से हम लोग पाकिस्तान की तरफ से लेते हैं टोयोटा लैंड क्रूज़र और पाकिस्तान की बहुत महंगी गाड़ी है। क्या ये देखते हैं कि क्या ये जो है गाड़ी एक पॉइंट दिलवा सकती है पाकिस्तान को। यहाँ पर पाकिस्तान का एक पॉइंट है और इंडिया का एक पॉइंट है। यहाँ से हमारी गाड़ी गई हवा में, तो देखते हैं कि क्या ये टोयोटा लैंड क्रूज़र जो है वो दिलवा सकती है पाकिस्तान को एक पॉइंट। आप लोग देख सकते हो गोल्डन कलर में है और यहाँ से हमारी गाड़ी लैंड हुई, गिरने वाली है, लेकिन हम लोगों ने इसे बचा लिया है भाई, कंट्रोल इसको कर लिया है। और पाकिस्तान को दो पॉइंट हो गए, इंडिया का एक पॉइंट अभी तक। यहाँ से हम लोग इसको खड़ा कर देंगे टोयोटा करोला के साथ। और इंडिया की तरफ हम लोग लेते हैं महिंद्रा की XUV और भाई ये गाड़ी भी बहुत ही फेमस है इंडिया में अभी। और इसको भाई फुल स्पीड से लेकर जाएंगे इस अमेजिंग से रैंप से। आगे जो है दो टाइटैनिक खड़े हैं और इसके ऊपर से होती हुई हमारी गाड़ी पहुंचेगी प्लेटफॉर्म पे। तो देखते हैं कि क्या ये गाड़ी पहुंच पाती है कि नहीं और क्या इंडिया को एक पॉइंट मिल पाता है इस गाड़ी से कि नहीं। तो यहाँ पर हमारी गाड़ी के साथ कुछ ग्लिच हो गया, लेकिन हमारी गाड़ी जो है पानी में लैंड नहीं हुई और ऊपर ही लैंड हुई है। तो एक पॉइंट जो है हम लोग यहाँ पर इंडिया को दे देंगे क्योंकि हमारी गाड़ी पानी में नहीं गिरी, एक पॉइंट इंडिया को मिल गया। लेकिन हमारी गाड़ी पहुँचने वाली थी बट यहाँ पर कुछ ग्लिच हो गया, दो पॉइंट इंडिया के, दो पाकिस्तान के। यहाँ से हम लोग पाकिस्तान की तरफ से लेते हैं टोयोटा हाइलक्स रिवो और भाई हम लोग इस गाड़ी को बहुत ही, ये वैसे ट्रक है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस है भाई ये वाला जो ट्रक है। और यहाँ से लगा इसको स्पीड बूस्टर और हमारा टोयोटा हाइलक्स रिवो जो है और हवा में। तो देखते हैं कि क्या ये गाड़ी जो है वो पहुंच पाती है कि नहीं। और यहाँ पर दो दो पॉइंट हैं पाकिस्तान और इंडिया के। और गाइस ये हमारी बहुत ही बढ़िया गाड़ी पहुंच चुकी है और एक पॉइंट जो है वो पाकिस्तान को और मिल गया है। यहाँ पर तीन पॉइंट पाकिस्तान के, दो पॉइंट इंडिया के। और यहाँ हम लोग खड़ा कर देंगे टोयोटा करोला के साथ। और यहाँ पर तीन गाड़ियाँ पाकिस्तान की पहुँच चुकी हैं और दो गाड़ियाँ इंडिया की। तो यहाँ से हम लोग इंडिया की तीसरी गाड़ी ले लेते हैं टाटा पंच। तो भाई टाटा पंच भी बहुत ज़्यादा फेमस है अब जो है 2022 में। और यहाँ से हम लोग भाई फुल स्पीड से इसको लेकर जा रहे हैं टाटा पंच को और यहाँ से इसको लगा स्पीड बूस्टर और हमारी गाड़ी हवा में। नीचे दो टाइटैनिक खड़े हैं और भाई ये पानी में अगर गिर जाती है तो इंडिया को पॉइंट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म पर लैंड करती है तो इंडिया को पॉइंट मिल जाएगा। देखते हैं अभी कि क्या बनता है। और यहाँ पर हमारी गाड़ी लैंड कर चुकी है, इसके साथ थोड़ा सा ग्लिच था लेकिन फिर भी लैंड कर गई है। इंडिया को तीन पॉइंट, पाकिस्तान के तीन पॉइंट। और ये जो आज का चैलेंज हमारा टाई हो चुका है, यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया के पॉइंट बराबर ही हैं। गाइस ये जस्ट एक वीडियो थी यार, कोई सीरियस चीज़ नहीं थी। तो एंजॉय पर्पज़ के लिए वीडियो को देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।